दुबई हर साल कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जिसके बारे में पहले कभी ना सुना गया ना देखा गया। उनकी बिल्डिंग सबसे अलग होने के साथ साथ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक है। ये प्रोजेक्ट जो कि दूसरे देशों के लिए अजूबे से कम नहीं है, उदाहरण के तौर पर दुबई में बनने वाला अलादीन आइलैंड, जो कि अलादीन और सिंधवान की कहानियों की याद दिलाता है। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दुबई के 8 सबसे अमेजिंग प्रोजेक्ट। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुमेरा गार्डन। स्टडीज में पाया गया था जो भी लोग प्रकृति के नजदीक रहते हैं वह आम लोगों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए दुबई बनाने जा रहा है एक जुमेरा गार्डन सिटी, जो कि 14 मिलियन स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट में कुल मिला के 12 डिस्ट्रिक्ट होंगे, जिसमें हर एक में 2.5 लाख लोग रह सकेंगे, जो कि पूरी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लाइट रेल नेटवर्क से जुड़े होंगे। और साथ कई वॉकवे भी बनाए जाएंगे जो कि पूरी तरह किसी गार्डन की तरह दिखाई देंगे। साथ साथ इनमें रिन्यूएबल एनर्जी का भी यूज किया जाएगा, जिसमें 90% गंदे पानी और बिल्डिंग वेस्ट को रिसाइकिल करके दोबारा यूज किया जा सकेगा। ये नया गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट जो कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बनने वाला है, और अगर फ्यूचर में कोई दूसरा देश दुबई की तरह पर्यावरण और पानी को बचाना चाहता है तो वह यहाँ से अच्छी तरह सीख सकता है। दुबई म्यूजियम। दुबई म्यूजियम फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जो कि एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, जो कि किसी बात से पता चलता है कि इससे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी ने बनाने के बारे में नहीं सोचा, जिसमें 2400 स्टील पीसेस का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें यह बनावट सॉफ्टवेयर की मदद से दिया गया है, जिससे कि गलती की कोई गुंजाइश ना रह सके, जो कि उम्मीद है 2020 के अंत तक पूरा भी हो जाएगा, जो कि बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें अपना वाटर रिसाइकलिंग प्लांट और बहुत ही हाईटेक लिफ्ट्स भी होंगी, और यहाँ आने वाले लोगों के व्हीकल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक स्टेशन भी बनाए जाएंगे। लेकिन पार्किंग को कम से कम रखा गया है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सके, जिसमें अलग अलग हिस्से में टेक्नोलॉजी, हेल्थ और रोबोटिक जैसी चीजों के विस्तार में दिखाया गया है। मॉल्स ऑफ द वर्ल्ड। मॉल्स वैसे तो आमतौर पर काफी बड़े ही होते हैं, जहां लोग एक ही छत के नीचे अलग अलग स्टोर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें कभी कभी आपको होटल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, कोई भी मॉल दुबई के इस मॉल से बड़ा नहीं होगा, जिसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि यह कब तक बन पाएगा। लेकिन जब यह मॉल पूरा बन जाएगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होगा, जो कि 48 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला होगा, जिसे मोहम्मद बिन राशिद शहर में बनाया जा रहा है, जिसमें 8 मिलियन स्क्वायर मीटर स्पेस शॉपिंग थीम पार्क के लिए रखा गया है, जिसमें गोल्फ कोर्स, थिएटर और 33 रोड और टूरिस्ट एरिया बनाया जाएगा, जिसमें कुल मिला के 20,000 रूम होने वाले हैं, जिसका लक्ष्य है कि हर साल यहाँ 180 मिलियन लोग आएंगे, जिसे बनाने में 21 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्चा होने वाला है। अलादीन सिटी। दुबई में बन रही है इमारत जो कि असल नहीं लगती, जो कि दुनिया की दूसरी इमारतों के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़िया है, लेकिन हमारी इस लिस्ट में ये इमारत सबसे अनोखी इमारत है, जो कि हमें अलादीन और सिंधबाद की कहानियों की याद दिलाती है, जिसका काम सबसे पहले 2014 में शुरू किया गया था, जिसमें सबसे पहले उन 3 टावर का काम स्टार्ट किया गया, जो कि हूबहू किसी जीनी लैंप जैसे लगते हैं, जो कि आपस में एयर कंडीशनर बीच के साथ जुड़े हैं, जिसकी बनावट किसी छिपकली और ड्रैगन जैसी लगती है। लेकिन इतना ही नहीं, ये अलादीन सिटी जिसमें कई रेस्टोरेंट, होटल और कमर्शियल आउटलेट भी बनाए जाएंगे, जिसकी लागत की बात की जाए तो इसमें बनने वाले $500 मिलियन से ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। इन टावर्स को बनाने के लिए कुल 1,10,000 स्क्वायर मीटर एरिया लग गया है, जिसमें सबसे ऊंची इमारत में 34 फ्लोर होंगे, जिसमें आसानी से 900 कार को पार्क किया जा सकता है। ब्लू वाटर आइलैंड। जब भी कोई देश लगातार नई नई बिल्डिंग बनाता जाएगा तो उसके सामने जमीन की दिक्कत आएगी। दुबई भी इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए एक मैनमेड आइलैंड बनाने जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है दुबई ब्लू वाटर आइलैंड, जहां पर आसानी से रोड और ब्रिज के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह 1600 फुट में फैला आर्टिफिशियल आइलैंड, जो कि दुबई के मरीना के नजदीक बनाया हुआ है, जहां पर यहां आने वाले टूरिस्टों के लिए आलीशान रिजॉर्ट भी बनाए गए हैं, साथ साथ 130 शॉपिंग सेंटर के साथ डाइनिंग रेस्टोरेंट और फिटनेस सेंटर भी बनाए गए हैं। इस ब्लू आइलैंड में होटल के अलावा 700 अपार्टमेंट, 4 पेंट हाउस और 17 टाउन हाउस भी बनाए गए हैं, जहां बिना किसी दिक्कत के रह सकते हैं। साथ ही साथ इस आइलैंड में 2000 कारों के लिए पार्किंग भी बनाई गई है। दुबई ग्रेट टावर।
खुद को दुनिया से अलग बनाने के लिए दुबई हर एक चीज अलग बनाता जा रहा है। उसमें से एक है दुबई ग्रीक टावर। यह बहुत ही विशालकाय इमारत जिसके बारे में सबसे पहले 2016 को बताया गया था, जो कि माना जा रहा है इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी, जो कि इंसान की बनाई गई सबसे ऊंची इमारत होगी। यह टावर रोस एल्को नेशनल पार्क के नजदीक बनाई गई है, जिसमें 2.34 स्क्वायर माइल एरिया को लिया गया है। लेकिन अब भी इस बात को दुबई ने सीक्रेट रखा है कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी, जिसके बराबर इस वक्त दूसरी बिल्डिंग कोई और नहीं है। और माना जा रहा है टावर 3044 फीट से लेके 4593 फीट ऊंचा हो सकता है। लेकिन जिस तरह बुर्ज खलीफा को सपोर्ट करने के लिए केबल्स का यूज किया गया, उसके विपरीत इस इमारत में सिर्फ 30% हिस्से को ही केबल से सहारा दिया गया है।